हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके के ईसवाल के समीप आज दो कारों की आमने सामने की भिड़ंत से जोरदार हादसा हो गया। इस भीषण हादसे में दोनों ही कारों में सवार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 8 लोग इसमें घायल हो गए। हादसे की जानकारी पर बड़ी तादाद में मौके पर ग्रामीण जमा हो गए और इसकी सूचना गोगुंदा पुलिस को दी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची गोगुंदा पुलिस ने सबसे पहले घायलों को सभी की मदद से इलाज के लिए उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भिजवाया। दरअसल ये हादसा पिंदवाड़ा की ओर से उदयपुर की तरफ आ रही कार का टायर फटने की वजह से हुआ। ईसवाल के समीप जब ये कार तेज गति से आ रही थी, तभी इसका टायर फट गया और ये कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से कूदकर दूसरी सड़क की तरफ जा पहुंची। इस दौरान उदयपुर से माउंट आबू की ओर आ रही दूसरी कार से इसकी भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इन दोनों कारों में गुजरात के रहने वाले दो परिवार मौजूद थे, जो कि दीपावली की छुट्टियां मनाने के लिए उदयपुर माउंट आबू घूमने के लिए आए थे, लेकिन ईसवाल के समीप ये हादसा उनके साथ हो गया। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।